What is up, beautiful people? It's your boy Asad Ansari here and my YouTube family. So, आप लोगों के मेरे पास दो टॉपिक को लेकर हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं. एक तो नंबर वन टॉपिक है हमारा एक्ने पिंपल, कि हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, उनको कैसे ठीक करें. और नंबर टू पर आता है कि हम अपनी स्किन को कैसे व्हाइट करें, हम अपनी स्किन को कैसे ब्राइट करें, हम अपनी स्किन को कैसे क्लियर करें. सो मेरे पास ये दो क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज्यादा आते रहते हैं. सो इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आप अपनी स्किन को बिल्कुल क्लियर और क्लीन एंड ब्राइट कैसे कर सकते हैं, और जो हमारे एक्ने और पिंपल की वीडियो है, हम अपनी स्किन पर से एक्ने और पिंपल कैसे खत्म करें, हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और हां गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स रोल. सो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको क्लियर और ब्राइट स्किन चाहिए तो वो कैसे आपकी स्किन क्लियर और ब्राइट हो सकती है, हम क्या करें जिससे हमारी स्किन क्लियर और ब्राइट हो जाए. तो सबसे पहले क्लियर और ब्राइट स्किन होने का आपको फिनोमेना समझना पड़ेगा कि हमारी स्किन कैसे काम करती है, हम अपनी स्किन का कलर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आपको स्किन का कलर इंप्रूव करने में आसानी हो जाए. तो उसके लिए हमारी स्किन का कलर किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्किन के कलर क्यों होते हैं, और अगर हम इस कलर को इंप्रूव करना चाहें, थोड़ा सा शेड लाइटर करना चाहे, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं. सो ब्रदर, सबसे पहले तो हमारी स्किन का कलर जो होता है वो डिसाइड करता है हम जिस रीजन में रहते हैं. जैसे कि अगर हम रह रहे हैं कश्मीर में रह रहे हैं, तो आपने कश्मीर के सब मैक्सिमम 99% लोग देखे होंगे, वो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं. अब क्यों होता है मैं भी आगे बताता हूं. और जैसे कि अगर हम साउथ साइड में जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पर हमारे सब भाइयों का उनकी साइड के स्किन का कलर थोड़ा डार्कर होता है. और अगर हम उससे भी ज्यादा जहां पर गर्मी होती है, जैसे कि हम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वगैरह चले जाएं, जैसे कि क्रिस गेल, तो वहां पर थोड़े से और कलर डार्क हो जाते हैं. जिन रीजन्स में बर्फ पड़ती है तो वहां पर आपके स्किन का कलर बहुत ज्यादा व्हाइट, व्हाइटर की साइड में होता है. अब ये क्यों होता है? सो ये स्किन का कलर इस तरह डिसाइड होता है, जिस रीजन में, जिस जगह पर हमारा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, हमारा सूरज बहुत ज्यादा आता है, उस जगह पर आपके स्किन कलर को डार्क होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. अब कैसे बढ़ते हैं? सो हमारा जहां पर भी सन रेज बहुत ज्यादा पड़ रही होती है, सन रेज के अंदर होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर हमारे स्किन के अंदर चली जाती है और हमारे जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसको खराब करना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी हो जाती है डैमेज. अब हमारे स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए हमारे स्किन के अंदर एक सेल्स होते हैं, जो कि होता है हमारा मेलानोसाइट सेल, जो कि हमारे काम करते हैं मेलानिन नाम के पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में, जिसके बाद वो पिगमेंट हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर पर आ जाता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से. बट यार, वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट तो कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेज से, बट उस पिगमेंट का कलर होता है डार्क, वो डार्क कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन भी डार्क कलर की दिखने लग जाती है. अब अगर हमें अपनी स्किन का कलर थोड़ा सा ब्राइट करना है, हमें लाइटर शेड की तरफ जाना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी स्किन मेलानिन को ज्यादा प्रोड्यूस ना करे. अब मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए और उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना होता है ग्लूटाथायोन. ये हमारा हेल्प करता है मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करने में और उसको कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से जो हमारे मेलानिन के डार्क कलर के पिगमेंट थे जो हमारे स्किन के ऊपर आ गए थे, वो वहां पर नहीं आते और हमारी स्किन का कलर व्हाइट लगने लग जाता है. अब अपनी डाइट के अंदर ग्लूटाथायोन को ऐड करने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर कुछ फूड और कुछ सप्लीमेंट ऐड करने पड़ेंगे. एप्पल, ब्रोकली, स्पिनच, ग्रेप एंड टमाटोज, इन सब के अंदर होता है हमारा ग्लूटाथायोन. बट हमारे फूड के अंदर जो ग्लूटाथायोन होता है वो हमारा इतनी क्वांटिटी में नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे वो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर सके. तो उसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना पड़ता है ग्लूटाथायोन का सप्लीमेंट, जो कि हमारा आता है ग्लूटोन 1000. और हाँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पर मेरे बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि असद भाई, इस ग्लूटोन 1000 को रिव्यू करो और हमें बताओ ये ग्लूटोन 1000 कैसा है. तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने इस ग्लूटोन 1000 को मंगवाया और उसको चेक किया और उसके बारे में रिसर्च की कि कैसे काम करता है, इसको कैसे लेना है और इसके कैसे रिजल्ट्स हैं. तो मैंने इसको मंगवाया और चेक किया और मैंने देखा कि मार्केट में ग्लूटाथायोन के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट जो कि सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो मुझे ग्लूटोन 1000 ही लगा. बट इसके प्राइस ज्यादा है, इसके प्राइस अराउंड मुझे पड़ा है 2300 के आसपास का, 20
400 के आसपास का मुझे पड़ा है और इसके प्राइस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। ये हमारा सेट्रिया ग्लोटाथान से बना है जो कि हमारी ग्लोटाथान की एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है, उसकी वजह से इसके प्राइस थोड़े से ज्यादा है। एंड नाउ आपको इसको लेना कैसे है, तो आपको इसको लेने के लिए ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले इसको ग्लोटाथान को वाइटामिन सी सप्लीमेंट के साथ लेना है। और वाइटामिन सी सप्लीमेंट के साथ क्यों लेना है, तो वाइटामिन सी सप्लीमेंट के साथ इसलिए लेना है क्योंकि वाइटामिन सी सप्लीमेंट और ग्लोटाथान जब मिलते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन इजिली हो जाती है, ये आपकी बॉडी के अंदर इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से आपका वेस्टेज के थ्रू बाहर नहीं निकलता और इसके रिजल्ट्स आपके जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको एस्कॉर्ज़ी और ग्लोटाथान को मिक्स करना है और ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले इसको डेली पीना है। और ये कंपनी क्लेम करती है आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे और फुल रिजल्ट्स के लिए आपको इसको मिनिमम 3 से 4 महीने ट्राई करना पड़ेगा। और इस ग्लोटाथान के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ये आपकी बॉडी के इंटरनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है उनको सबको डिटॉक्सिफाई कर देता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इंटरनल अंदर से हेल्दी होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी हो जाती है तो उसके बाद आपकी स्किन बाहर से हेल्दी होना शुरू हो जाती है। और अगर आपकी स्किन टोन अनइवन हो रहा है, कहीं से ब्लैक हो रहा है कहीं से व्हाइट हो रहा है, तो ये उसको भी ठीक करता है। और अगर आपको एक्ने मार्क्स हैं उसको भी ठीक करता है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाता है। एंड नाउ बात करते हैं हमने अपने मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया हम, और क्या करें जिससे हमारा मेलानिन ज्यादा नहीं बढ़े, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा जो कि है हमारा सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा जब भी हम कहीं पर धूप में जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं आए और हमारे स्किन के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाए। तो उसके लिए आपको जब भी कहीं पर मार्केट में कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कर जाए जिससे आपकी स्किन अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्टेड रहे। और साथ ही साथ में आपको अपनी डाइट के अंदर मिनिमम 3 लीटर वाटर दिन में पीना ही पीना है, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल जितनी भी प्रॉब्लम हो रही होती है सबकी सब खत्म करता है और साथ ही साथ में आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहती है और आपकी स्किन डैमेज या क्रैक नहीं होती जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, ये था हमारा स्किन की शेड्स को लाइटर और ब्राइटर करने का फंडा। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन की थोड़ा सा कलर ब्राइट की साइड को जाना शुरू हो जाए, आपकी स्किन का कलर ब्राइट हो जाए, तो उसके लिए आप अपनी डाइट के अंदर सप्लीमेंट और अपने थोड़ी सी डाइट का ध्यान रख सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी अंदर से ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ में आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाए उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो ब्रदर्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना ख्याल रखना, लव रेस्पेक्ट पीस।